है, तो ये चार प्रकार जो बताए हैं ये हिप्पोक्रेटस जी ने बताए हैं व्यक्तित्व के। अब एक बहुत महान व्यक्ति हुए हैं एडलर। तो एडलर ने एक बात कही है और बहुत अच्छी बात कही है। एडलर ने कहा है कि जो मनुष्य होते हैं ये हीन भावना के साथ जन्म लेते हैं। मनुष्य जो होता है वो हीन भावना के साथ पैदा होता है, यानी मनुष्य हीन भावना के साथ पैदा तो होता है, लेकिन क्या कहा उन्होंने, लेकिन या परंतु किंतु संपूर्ण जीवन श्रेष्ठ होने का ढोंग करता रहता है। बहुत अच्छी लाइन है ये, इससे मैं बहुत प्रभावित हूं और ये सही भी है और 100% आज के समान पर ये सटीक बैठती है कि मनुष्य हीन भावना के साथ पैदा होता है परंतु संपूर्ण जीवन श्रेष्ठ होने का ढोंग करता रहता है। यानी जो मनुष्य है भैया, क्या लेकर आए हो क्या लेकर जाओगे, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, लेकिन सारे जीवन अपना अलग अलग स्टेटस, अलग अलग पैसा, नौकरी, समझ रहे, स्मार्टनेस, कपड़ा लत्ता, बड़े बड़े फोन, महंगी गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें हमेशा पूरे जिंदगी भर ढोंग करता रहता है, दिखाता रहता है कि आई एम द ग्रेट। तो ये चीज़ एडलर जी ने कहा है कि मनुष्य हीन भावना के साथ पैदा होता है लेकिन संपूर्ण जीवन श्रेष्ठ होने का ढोंग करता रहता है। तो इन्होंने दो तरह से बांटा है व्यक्तित्व को, एक हीन भावना में और एक श्रेष्ठ भावना में। तो मेरे ख्याल से सबसे ग्रेट पर्सन एडलर जी हैं, ठीक है। ऐसा होना नहीं चाहिए यार, भगवान ने आपको बनाया, आप अपने शांत चित्त रहो। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब होना नहीं चाहिए भैया, अपना कमाओ खाओ एंजॉय करो, अपने आप में खुश रहो। ये थोड़ी ना कि तुम ओवर एक्टिंग दिखा रहे, जमाने को दिखा रहे कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे, तो वो नहीं होना चाहिए, एडलर जी ने बता दिया, ठीक है। और अगले आ जाते हैं, व्यक्तित्व को जो बांटा गया है वो शरीर रचना के आधार पर बांटा गया है।